अग्निवीर योजना के विरोध में कई संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। बंद को देखते हुए पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद है। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप समेत तमाम चौक चौराहों पर पुलिस की मुस्तैदी देखी जा रही है। हालांकि फतेहपुर जिले में बंद का कुछ खास असर होता नहीं दिखा। जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रहा, लेकिन कई जनपदों में अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर फतेहपुर जिले में भी प्रशासन मुस्तैदी बरतने में लगा हुआ है। जिले के खागा, बिंदकी और फतेहपुर सदर तीनों ही तहसीलों में भारी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद नजर आई। वहीं बात करें अगर रेलवे स्टेशन की, तो वहां पर भी पीएससी के साथ साथ आरपीएफ और यूपी पुलिस के जवान भारी संख्या में मौजूद दिखे, जो चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं एडिशनल एसपी राजेश कुमार ने बताया कि फतेहपुर में कहीं किसी तरह की कोई चूक की संभावना नहीं है। भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है, जो ऐसे अराजक तत्वों की निगरानी कर रहा है जो किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। शांति और सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पूरे जनपद में खागा, बिंदकी और जो 12 रेलवे स्टेशन हैं उस पर पुलिस और पीएसी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पे 12 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे रिक्रूट आरक्षी, पीएसी, रोडवेज वर्कशॉप रोडवेज का और रेलवे स्टेशन इत्यादि स्थानों पर कम से कम 15-15 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा 3 क्षेत्राधिकारी सीओ सिटी और पूर्व सीओ बिंदकी योगेंद्र सिंह मलिक और 1 सीओ अंडर ट्रेनिंग, इनकी गाड़ियां, एसडीएम सदर की गाड़ी, हमारी और इनकी एडीएम साहब की गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग पर हैं। अभी तक पूरी तरह से शांति है और मैं ऐसा करता हूँ कि पूरी तरह से शांति बरकरार रहेगी। कोई यहाँ पे जनपद फतेहपुर में कोई शांति सुरक्षा अशांति की व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होने पाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है।